2023 पाकिस्तानी कौम के लिए अज़्म नौ की नवीद है। नए साल में पुरानी अदावतें भूलकर मोहब्बतें बांटे। दुआ है कि नया साल वतन अजीज में इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। वज़ीरे आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का साल नौ पर पैगाम। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान का साल नौ पर पैगाम। कहा, ये साल मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन का साल साबित होगा। दुआ है नया साल सबके लिए खैर व बरकत का साल होगा और नए साल में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीरे आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सैलाब के बाद हमारे कुछ मनसूबे सुस्त रवि का शिकार हुए। हम बलदियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं करवाना चाहते थे। अमनो अमान और सैलाब के बायस मुलतवी करने की दरख्वास्त की। शहर का मेयर वो आएगा जिसको कराची की आवाम चाहेगी और आवाम पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में 75-80 डॉलर फी बैरल कमी आई है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें 53 से 65% बढ़ गई। महंगाई को बुनियाद बनाकर हमारी हुकूमत गिराई गई। अवाम महंगाई से शदीद मुतासिर, मुल्क गिर महंगाई मुकाओ तहरीक चलाएंगे। और सवात और गिरदोनवा में जलजिले के झटके, जलजिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड। जलजिले की गहराई 189 किलोमीटर, मरकज हिंदू कश रीजन था।